दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं एक इमरजेंसी लाइट को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। दोस्तों देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट ही होगा कि क्या यहाँ पे इसमें जो बल्ब था दोस्तों आपने इसको पहले कहीं देखा होगा, और नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये जो देखना है ना पीला वाला, ये इसमें ट्यूबलाइट जैसा यहाँ पे ये लाइट करता था। ये इसका कलर वही गोल्डन कलर था। तो दोस्तों ये क्या हुआ ना, गिरने के बाद ये टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ कि टूट गया तो जला ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इसके अंदर में 3.7 वोल्ट का बैटरी है, और ये देखते हैं ये आउटपुट कितना वोल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्विच है और मेरे पास में एक मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पे रखते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इसमें वोल्ट कितना दे रहा है। तो उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 20 वोल्ट DC पे यहाँ पे पहले से सेट है। तो यहाँ पे इसको हम, तो यहाँ पे इसका स्विच रहता है। तो इसको हम देखिए यहाँ पे ऑन किए, ऑन करने के बाद इसको हम देखिए यहाँ पे जैसे ही, देखिए यहाँ पे इसको जैसे ही ये किए टच किए तो 2.3 वोल्ट करीब यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका प्लस जो है ये है और इसका जो माइनस है ये है। तो यहाँ पे मैं इस टाइप का एक DC LED बल्ब जो कि 3.7 वोल्ट से आसानी से ये जल जाता है, तो मैं थोड़ा इसको दिखाना चाहता हूँ। कुछ इस प्रकार का है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर मैं फिट करके देखूँगा कि क्या ये मेरा वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, या ये लगा सकते हैं या इस टाइप का भी बल्ब आता है जो कि 4 वोल्ट 3 वोल्ट पे ये जल जाता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाकर फिर हम आपको दिखाते हैं क्या ये जलता है या नहीं जलता है। तो चलिए इसको फटाफट, यहाँ प्लस है तो इसका प्लस ये है, तो यहाँ पे लगा लेंगे और माइनस को माइनस में सोल्डिंग करके फिर इसको ऑन करके देखते हैं जला कर क्या ये जलता है या नहीं। तो इसको चलिए हम फटाफट सोल्डिंग कर देते हैं और उसके बाद चेक करेंगे क्या ये मेरा बल्ब जलता है या नहीं चलता है, क्योंकि मैं इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही ले रहा हूँ। तो चलिए इसको हम फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो सोल्डिंग करके फिर हम आपको दिखाते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको अच्छा तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं सोल्डिंग कर दिया हूँ। तो चलिए हम इसको अब जला के देखते हैं क्या ये मेरा जलता है या नहीं जलता है। तो दोस्तों ये जलने लगा, देख सकते हैं ना यहाँ पे ये लाइट दे रहा है, मतलब ये काम करने लगा। देखिए दोस्तों, और ये देखिए इसमें 3 मोड है, लाइट कम बेसी और ज़्यादा भी है, तो वो भी वर्क कर रहा है अच्छा तरीका से। तो मैं लाइट यहाँ पे बंद करके फिर आपको, हम देखिए ये लाइट बंद हो गया और मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देख सकते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड और ये पूरा ऑफ हो गया। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आपको अगर ये लाइट अगर आपके पास है और ख़राब यहाँ पे टूट जाता है गिरने के बाद उसका फिलामेंट वगैरह जो रहता है, तो ये रहता है इसके। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाने की कोशिश कर, देखिए ये ही इसमें जलता है इसके अंदर में, तो ये गिरने के बाद टूट जाता है। तो आप कुछ इस प्रकार से ये ले सकते हैं 6 LED बल्ब वाला, देखिए यहाँ LED जो कि DC पे चलता है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाकर ये ले सकते हैं, तो ये आपको 20-25 रुपया में मिल जाएगा आसानी से। तो ये अच्छा तरीका से वर्क भी कर रहा है। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है, कुछ जानकारी मिला है। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।